दोस्त नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ गार्डनिया प्लांट के बारे में और उसकी थोड़ी सी आज मैं प्रूनिंग भी करूँगी और फर्टिलाइजर भी अप्लाई करूँगी। उससे पहले ये देख लीजिए मेरे कुछ कैलेंडुला के प्लांट में कितने खूबसूरत से फूल खिले हैं, और चार प्लांट में फूल खिले हैं और चारों में अलग अलग ही फ्लावर खिले हैं। और यहाँ पर इस पॉट में भी दो प्लांट हैं और यहाँ भी एक प्लांट है, तो इनमें अभी फूल खिलना बाकी है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल खिल रहे हैं। मैंने इसकी एक बेज भी रख ली है। देखिए, ये मेरा पहला फ्लावर था ये प्लांट का, तो इसकी मैंने बीज रखी है। और ये दूसरा फ्लावर था, पर इसमें देखिए बीज ही नहीं है, तो इसको मैं निकाल दूंगी। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे यहाँ पर दो गार्डनिया प्लांट के हैं, और ये है सिंगल पेटल वाला, एक फूल कल खिला था और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशबू इसमें होती है। और यहाँ देखिए ये प्लांट को मैंने प्रोपोगेट किया है कटिंग से, स्टेम कटिंग से। यहाँ देखिए ये बहुत अच्छी तरह से स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट हो जाते हैं, और ये डोरमेंसिस के रहने के कारण यहाँ देखिए इसकी जो लीव्स हैं सारे झड़ गए हैं यहाँ देखिए। और अभी अभी न्यू शूट्स यहाँ से निकले हैं, पर मैं इसकी थोड़ी सी कटाई छटाई अभी कर लूँगी, क्योंकि अगर काट दूँगी तो इनकी अगर प्रूनिंग कर दूँगी तो इनमें जो ग्रोथ फिर निकलेगा तो वो बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ देखिए ये प्लांट में भी बहुत सारे कलियाँ हैं, और ये देखिए ये कली सूख रही है, मतलब इनमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है। और यहाँ देखिए ये पत्ते भी कैसे हो रहे हैं। अभी ये डोरमेंसी में थे इसलिए मैंने इनको कोई भी फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं किया है, तो पहले मैं इनकी गुड़ाई कर लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दूंगी और ये जो मिट्टी है इनको मैं निकाल दूंगी। निकालने के बाद मैं फर्टिलाइजर दूंगी और उसके बाद ही इन पे मैं मिट्टी फिर चढ़ाऊंगी। ये देखिए, इससे क्या होता है कि रूट के पास से सारे मिट्टी निकल जाते हैं, और अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। यह देखिए, ये प्लांट को करीबन 2 से 2.5 महीने तक मैंने कोई भी खाद इनमें अप्लाई नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों, ये मिट्टी को मैं पहले निकाल लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये सारे मिट्टी को करीबन 2 इंच की मिट्टी को यहाँ से हर पर्ट से निकाल ली है। और पहले मैं इनकी, ये देखिए यहाँ पर ये जो कलियाँ हैं इनको मैं कट कर दूँगी अभी, क्योंकि ये अभी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये देखिए, इसकी थोड़ी सी अगर हम प्रूनिंग कर लेंगे तो ये फिर अच्छे से जो फिर ब्रांचेस निकालेंगे तो उनमें से जो फूल आएंगे वो बहुत हेल्दी होंगे। तो इसके लिए ये जो सारे पुरानी, ये देखिए कैसे येलो हो रही है, तो ये अच्छी तरह से खिलता भी नहीं। यहाँ देखिए ये फूल खिला था, पूरी तरह से ये फूल खिलते भी नहीं हैं और गिर जाते हैं, तो इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये प्लांट की थोड़ी सी प्रूनिंग हो गई है, और इसके बाद जो न्यू ब्रांचेस आएंगे उनमें जो कलियाँ आएंगे वो कलियाँ बहुत अच्छी तरह से फिर ग्रो करेंगे। यहाँ देखिए, ये प्लांट की भी मैंने यहाँ से कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये जो थोड़े से बीमार ब्रांचेस लग रहे हैं अभी, तो इनको काट देंगे। प्रूनिंग करने से क्या होता है कि हम अपनी मनचाही इसकी आकार देते हैं। ये जो इनकी जो कैनपी जो होती है वो अच्छी तरह से फिर डेवलप होते हैं। ये अभी मैंने इसकी पूरी तरह से प्रूनिंग कर ली है, आप
आप हार्ड प्रूनिंग कह सकते हैं इसको, तो इससे जो फिर ब्रांचेस आएंगे तो यही ब्रांचेस अच्छे फूल देंगे। देखिए इसकी प्रूनिंग भी कर ली है हमने, अगर मैं चाहती तो यहाँ से भी कट कर देती तो और भी अच्छा होता। ये एक तरफा बड़ा हो रहा है प्लांट, मैं इसको और भी थोड़े छोटी कर दूंगी। इसकी ये देखिए दोस्तों, ये अभी सेफ जो बना है बहुत अच्छा बना है। अभी इनमें जो ब्रांचेस आएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी ब्रांचेस फिर आएंगे, ये देखिए। और यहाँ पर ये जो मैंने प्लांट तैयार किया है इसको मैं और एक महीने के बाद ही इसको एक नई पॉट दूंगी, क्योंकि अभी अभी ही मैंने 10-15 दिन ही हुए हैं जो मैंने बालू में लगाया था उससे निकाल कर ये पॉली बैग में अभी इसको शिफ्ट किया है। तो मैं इनमें कुछ भी नहीं दूंगी, सिर्फ इनमें थोड़ी सी DAP अप्लाई कर लूँगी ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाए। दोस्तों पहले मैं इनमें यहाँ देखिए ये राख दे रही हूँ ताकि जो फंगस होंगे तो ये इससे ठीक हो जाएंगे। मिट्टी में अगर कोई फंगस होगा, बैक्टीरिया होंगे तो ये खराब ठीक हो जाएंगे फिर। और उसके बाद मैं दूंगी हॉर्न मिल, ये देखिए ये हॉर्न मिल है दोस्तों। इनमें आप बोन मिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास ये नहीं है तो मैं अभी हॉर्न मिल से ही काम चला रही हूँ। पर ये देखिए ये है मेरे किचन वेस्ट जो मैंने खुद बनाया है घर में, फ्री का है फर्टिलाइजर। और ये देखिए अच्छी तरह से 3-4 मुट्ठी इनमें मैं दे रही हूँ। और ये देखिए ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइजर है, ये है केले के छिलके जो कि मैंने सुखा लिए हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं दे दूंगी, तो ये अच्छी तरह से फिर फ्लावरिंग करने के में हेल्प होगी। इसके बाद मैं ये दूंगी ये देखिए सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये बहुत ही प्लांट बूस्टर है, बहुत ही अच्छा है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ये देखिए। और इनमें मैं दूंगी थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट, ये देखिए एप्सम सॉल्ट देने से क्या होता है कि ये जो लीफ देखिए कितनी लीफ क्लोरोसिस हो गई है तो इससे ये बचाएगा प्लांट की जो लीव्स हैं वे बिल्कुल ग्रीन रहेगा और लीफ क्लोरोसिस से बचा रहेगा। देखिए दोस्तों ये सारे जो चीज़ें मैंने डाली हैं ये सारे ऑर्गेनिक ही डाली हैं। और यहाँ देखिए ये हाफ स्पून मैंने डाली है ये सरसों की खली है, मैंने पीस कर रखा था इसको। यहाँ देखिए बस इतना ही, ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप निकल रही है, ज़्यादा तेज हो रही है धूप, तो अभी नहीं देंगे इसको। और इसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए इनमें मैं दे दूंगी यहाँ देखिए ये 8-10 दाने DAP के। फिर ये जो फर्टिलाइज़र है इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसके ऊपर जो मिट्टी हमने निकाली है इसको बिछा देंगे फिर इसके ऊपर, तो हमारा जो ये फर्टिलाइज़र है ये वेस्ट नहीं जाएगा पानी देते वक्त। फिर इसके बाद हम एक महीने के बाद फिर ऐसे जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होती है वो डालेंगे और बीच में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट वाला, टी कंपोस्ट,
और सरसों खली का कंपोस्ट, लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जो मैंने ये मिट्टी निकाल कर रखी हुई है, इसी गमले की मिट्टी, इसी के ऊपर फिर से बिछा देंगे। दोस्तों, ये प्लांट को हम कैसी जगह पर रखें, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होते हैं। इनको ऐसी जगह पर रखें जैसे जहाँ पर मॉर्निंग का 2-3 घंटे का धूप मिले, उसके बाद जो तेज़ धूप होती है वो ना लगे इनको। और इसकी जो जगह है, प्लेस है, इसको अगर हम थोड़ी इधर उधर करेंगे तो फिर ये प्लांट शॉक में आ जाता है। तो इसकी प्लेसमेंट चेंज मत कीजिएगा। अगर कहीं जगह पर है तो वहाँ अगर छांव चाहिए तो आप उसके हिसाब से वहाँ पर छांव बनाइए, मगर प्लांट को हटाइए मत। इस प्लांट की जो प्लेसमेंट होती है ना, इसको आप बारिश के मौसम में, बरसात में आप चेंज कर सकते हैं, और किसी भी वक्त चेंज करेंगे तो ये फिर प्लांट शॉक में आ जाता है। ये देखिए, मेरे प्लांट में, दोनों प्लांट में अच्छी तरह से फर्टिलाइजेशन हो गया है। ये देखिए, हो गया है। और दोस्तों, यही था एक छोटा सा वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। फिर किसी नई टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।